Dear students of 5th class, this is our 37th video lecture of SST and we are reading chapter 8 of SST Greenland, the land of ice and snow. Yesterday we have studied about the land surface of Greenland and the climate and vegetation of Greenland. And today in this video lecture we will discuss the wildlife and life in Greenland. So let's start reading the chapter. वाइल्ड लाइफ वहां का जंगली जीवन कैसा है. ए पिक्यूलर एनिमल फाउंड इन द ग्रीनलैंड इज मस्क ऑक्स. एक अजीब सा जानवर ग्रीनलैंड में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मस्क ऑक्स. इट हैज ए लॉन्ग शेगी कोट विच ऑलमोस्ट रीचेस द ग्राउंड. इसका मतलब है कि उसके बहुत लंबे लंबे शेगी मतलब बालों से भरा होता है शेगी कोट विच ऑलमोस्ट रीचेस द ग्राउंड और उसके बाल लगभग जमीन को टच कर रहे होते हैं, इतने लंबे लंबे उसके बाल होते हैं, बालों से भरा होता है वो. दिस इज द पिक्चर ऑफ मस्क ऑक्स. यू कैन सी इट्स लॉन्ग शेगी हेयर विच टचेस द ग्राउंड. जो ग्राउंड को टच होते हैं इसके इतने बड़े बड़े बाल होते हैं. रेनडियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल फाउंड हेयर. रेनडियर एक दूसरा बहुत जरूरी एनिमल है जो यहाँ पे मिलता है. रेनडियर मीन्स एक हिरन होता है, हिरन टाइप का होता है और उसके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं. इट हैज ए थिक लेयर ऑफ हेयर. उसके भी बहुत ज्यादा थिक लेयर होती है हेयर की. ये तो हम सबको पता है कि जो भी एनिमल्स यहाँ पे पाए जाएंगे उनकी जो चमड़ी होगी वो बहुत मोटी होगी और उनके हेयर बहुत ज्यादा होंगे. क्यों? क्योंकि वो जो उनकी मोटी स्किन होती है और जो हेयर होते हैं वो उनके ठंड से प्रोटेक्शन करती है. प्रोटेक्ट इट्स बॉडी फ्रॉम द बिटर कोल्ड. बहुत ज्यादा सर्दी से उनकी रक्षा करती है. इट इज यूज फॉर पुलिंग द स्लेज. और ये किस काम आते हैं, ये स्लेज को खींचने के काम आते हैं. अमंग द स्मॉलर एनिमल आर द आर्टिक फॉक्स एंड द आर्टिक वॉल्फ एंड द आर्टिक हेयर. और छोटे एनिमल्स में कौन से मिलते हैं, आर्टिक फॉक्स, आर्टिक वॉल्फ एंड आर्टिक हेयर. हेयर मीन्स खरगोश. द कलर ऑफ हूज कोट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लैंड सर्फेस. और उनके जो कोट मतलब उनकी जो स्किन का कलर है वो चेंज होता रहता है जैसे कि धरती का रंग होता है, लैंड वहां पे सर्फेस का रंग होता है उसके अकॉर्डिंग ही उनका रंग चेंज होता रहता है. इट इज ब्राउन इन समर, समर में ब्राउन एंड व्हाइट इन विंटर, और विंटर में व्हाइट. दीज एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कोल्ड बाय अ थिक फार्म फर. वो जो ये एनिमल्स हैं इनकी प्रोटेक्शन कैसे होती है कोल्ड से, इनकी प्रोटेक्शन होती है एक बहुत ही थिक फर होती है इनकी, गर्म फर होती है. एंड हैवी लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन. और स्किन के अंदर बहुत मोटी चमड़ी होती है जिससे कारण इनकी ठंड से प्रोटेक्शन होती है. मैनी फर बियरिंग एनिमल्स, बहुत सारे फर वाले एनिमल्स कौन से मिलते हैं, सच एज सेबल फॉक्स एंड द पोलर बियर आर फाउंड इन दिस रीजन. और इस रीजन में क्या पाए जाते हैं, सेबल फॉक्स एंड द पोलर बियर, फर वाले एनिमल्स ये भी मिलते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ आर्टिक वॉल्फ, दिस इज पोलर बियर्स एंड दिस इज मस्क ऑक्स. दीज एनिमल्स आर ऑफन कॉट बाय द फर ट्रैपर्स. और जो ये एनिमल्स होते हैं ना कई बार ज्यादातर फर ट्रैपर जो फर जिनको फर चाहिए होती है उनके द्वारा पकड़े जाते हैं. एंड किल्ड फॉर देयर फर, और अपनी फर के लिए उनको मार दिया जाता है. विच इज यूज फॉर मेकिंग फर कोट्स, फर कोट बनाने के लिए जिनकी जरूरत होती है फर के लिए इन एनिमल्स को मार दिया जाता है. द सी इन दिस रीजन हैज अ प्लेंटी ऑफ सील्स वेल्स एंड वॉलरसेस. और जो समुद्र में क्या मिलता है, समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में सील्स वेल्स और वॉलरसेस मिलते हैं. तो यहाँ पर इनकी वाइल्ड लाइफ कैसी है, यहाँ पर मस्क ऑक्स, रेनडियर, आर्टिक वॉल्फ, आर्टिक फॉक्स, आर्टिक हेयर और ये सभी एनिमल्स मिलते हैं. इनकी जो स्किन है वो बहुत मोटी थिक लेयर होती है और उनके हेयर होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं जो इनकी सर्दी से प्रोटेक्शन करते हैं. और समुद्र में क्या मिलता है, समुद्र में प्लेंटी ऑफ सील्स वेल्स एंड वॉलसेस. नेक्स्ट, लाइफ इन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में लाइफ कैसी है. ग्रीनलैंड हैज ए वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम है.
द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड और कॉल्ड द एस्किमोस, उनको क्या कहते हैं वहां के लोगों को, कहते हैं एस्किमोस। दे आर शॉर्ट एंड स्टाउट, वो छोटे होते हैं, स्टाउट मीन्स फैट, मोटे होते हैं। दे हैव नैरो ब्लैक आईज एंड फ्लैट फेस, उनकी छोटी छोटी ब्लैक आईज होती हैं और फ्लैट फेस होता है, चपटा फेस होता है। दे लिव मोस्टली इन स्मॉल विलेजेस अलोंग द साउथ वेस्ट कोस्ट, और वो कहाँ से विलेजेस में रहते हैं, अलोंग द जो साउथ वेस्ट कोस्ट के साथ लगते हैं वो उन विलेजेस में रहते हैं। फिशिंग एंड हंटिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, और वहां के लोगों का मेन व्यवसाय क्या है, मछली पकड़ना और शिकार करना। फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल इन ग्रीनलैंड बिकॉज द लैंड देयर रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, फार्मिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो लैंड है वो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। पीपल हैव टू डिपेंड ऑन द सी फॉर देयर फूड एंड मोस्ट ऑफ देयर अदर नीड्स, और लोगों को किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, लोगों को समुद्र पे डिपेंड रहना पड़ता है क्योंकि समुद्र से उनको फिश मिलती है और अदर दूसरी नीड्स के लिए भी उनको उस पे सी पे डिपेंड रहना पड़ता है। द एस्किमोस आर गुड हंटर्स, जो एस्किमोस होते हैं वो बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। दे हंट मोस्टली विद अ वेपन कॉल्ड हार्पून, और वो ज्यादातर एक ही वेपन से, हथियार से वो शिकार करते हैं, और उसका क्या नाम है, हार्पून, स्पीयर। स्पीयर मीन्स एक भाला होता है विद अ रोप, एक रोप के साथ ऑफ लेदर अटैच टू इट, और उस पर चमड़े की एक रस्सी के साथ वो अटैच होता है। दे कट अ राउंड होल इन द आइस टू कैच फिश, वो बर्फ में एक राउंड गोल सा होल कर देते हैं फिश को कैच करने के लिए। व्हेन ए फिश कम्स अप फॉर ब्रीथिंग, जैसे ही फिश सांस लेने के लिए ऊपर आती है, द फ्रेश एयर, अ हंटर कैन थ्रो ए हार्पून, एक हंटर होता है शिकारी, वो हार्पून फेंकता है, एंड यूज द रोप टू पुल द फिश आउट, और फिश को खींचने के लिए उस रोप का इस्तेमाल, रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। दे लाइक टू हंट सील्स, वॉलरसेस एंड पोलर बियर्स, वो किसका शिकार करते हैं, वो सील्स का, वॉलरसेस का और पोलर बियर्स का। अमंग दीज एनिमल्स द सील इज द मोस्ट यूजफुल टू देम, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, सील उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स स्किन इज यूज फॉर फुटवेयर एंड क्लोथिंग, जो इसकी स्किन है ना उसका यूज वो पैरों, फुटवेयर के लिए, मतलब पैरों में पहनने वाले जूते उनसे बनते हैं, और क्लोथिंग कपड़े उनसे बनाए जाते हैं। इट्स फैट इज यूज फॉर बर्निंग लैम्प, और जो उनकी फैट है ना उसका यूज किस लिए किया जाता है, स्किन, चमड़ी का, बर्निंग लैम्प जलाने के लिए। एंड मीट इज यूज फॉर फूड, और मीट किस लिए यूज किया जाता है, खाना खाने के लिए। These are the Eskimos. The clothes of the Eskimos are made from the skin and furs of the animals. जो इनके क्लॉथ्स होते हैं ना एस्किमोस के, वो किससे बनते हैं, एनिमल स्किन से बनते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होता है और एनिमल स्किन से ही उनकी ठंड से प्रोटेक्शन हो सकती है। द क्लॉथ स्टिच्ड फ्रॉम द सील स्किन आर वार्म एज वेल एज वॉटर प्रूफ, जो सील की स्किन से जो वो कपड़े बनाते हैं ना वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और वाटर प्रूफ भी होते हैं, पानी में वो गीले भी नहीं होते। दे वियर कोट्स और जैकेट्स विद फर लाइन हुड्स कॉल्ड द पार्कर्स, वो कोट्स पहनते हैं और जैकेट्स पहनते हैं और फर लाइन हुड्स पहनते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पार्कर्स कहा जाता है। यू कैन सी देयर ड्रेस and this is made from the seal's skin. Fur gloves, fur ke hi wo gloves pehante hain. Warm leggings, garam leggings pehante hain. Long legged shoes, aur bade bade shoes pehante hain made from the skin of seals. Aur wo kisse bane hote hain, wo seal ki skin se bane hue hote hain, unhi se bane hue wo kapde pehante hain, because they are warm and as well as waterproof. They eat a lot of fat and heat producing food. वो बहुत ज्यादा फैट और हीट प्रोड्यूस करने वाले फूड खाते हैं। द एस्किमोस आर यूज स्मॉल बैट्स बोर्ड्स सॉरी कॉल्ड द कायक्स, वो छोटी छोटी बोर्ड्स का यूज करते हैं जिसे क्या कहते हैं, कायक कहते हैं। एक कायक इज मेड ऑफ वालरस और सील स्किन, और जो ये कायक होती है ना वो किससे बनी होती है, वो वालरस और या फिर सील की स्किन से बनी होती है। स्ट्रेच्ड ओवर ए वुडन फ्रेम, और उनको एक लकड़ी का फ्रेम होता है उसके ऊपर इनकी स्किन को चढ़ा दिया जाता है। ओनली वन पर्सन कैन सिट इन दिस बोट, एक ही पर्सन इस बोट में कैन बैठ सकता है। दे ऑल्सो यूज स्लेजेस, उस स्लेजेस का भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट दिस इज द पिक्चर ऑफ ए स्लेज, और ये इनके एनिमल्स के द्वारा इन स्लेजेस को खींचा जाता है और इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाया जाता है। ओनली वन पर्सन कैन सिट हेयर।
दे ऑल्सो यूज स्लेजेस ड्रोन बाय हस्की डॉग्स और रेनडियर्स दे ऑल्सो यूज स्लेजेस ड्रोन बाय हस्की डॉग्स और रेनडियर्स और उन स्लेजेस का भी यूज करते हैं जो हस्की डॉग्स दीज आर द हस्की डॉग्स और रेनडियर्स के द्वारा खींचे जाते हैं दीज आर मोस्टली यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स और ये गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के काम आते हैं सो स्टूडेंट्स द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस टुमारो एंड फॉर टुडे व्हाट इज योर होमवर्क यू विल रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली एट होम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर थैंक यू